तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद है बढ़िया होंगे। तो गाइस आज हम फिर से खेलने जा रहे हैं पोकेमॉन एश ग्रे, जहां पे गाइस पिछली बार हम गए थे ऐसे सेन शिप के अंदर, जहां पे टीम रॉकेट ने पहले से ही उस शिप पे कब्जा करके रखा था। बेसिकली उन सब का प्लान था कि जितने भी ट्रेनर्स उस शिप पर आएंगे उन सब के पोकेमॉन वो लोग चुरा लेंगे। बट गाइस हमने उनका प्लान यहाँ पर फेल कर दिया था, बट हमारी शिप उसके बाद डूब चुकी थी। एंड जैसे तैसे करके हम उस शिप से बाहर निकले, एंड उसी शिप के अंदर गाइस जेम्स ने एक मैजिकाफ रखा था। एंड उसने उस मैजिकाफ को इसने आते रखा था कि उसे लगा था कि बहुत ज़्यादा उसे प्रॉफिट देगा, बट गाइस उसे ऐसा कुछ नहीं हुआ। एंड उसने हमारे सामने उस मैजिकाफ को थ्रो कर दिया, बेसिकली ये बोल के तुम यूज़लेस हो। एंड उसके बाद उस मैजिकाफ को गुस्सा आ गया एंड वो गैराडोस में इवॉल्व हो गया। फिर टीम रॉकेट की उसने बैंड बजा दी, बट वही बात है ना कि हम लोग तो आराम से देख रहे थे एंड हमारी भी उसने बैंड बजा दी। हमें दूर किसी आइलैंड पे ले जाके फेंक दिया एंड हमारे सारे पोकेबॉल्स खो चुके थे। तो मैंने उन सबको ढूंढा एंड फिर हम आ चुके हैं पोर्टा विस्टा पे। तो आज की इस वाली वीडियो के अंदर हम अपने आगे की जर्नी कंटिन्यू करेंगे, सो लेट्स बिगेन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस आज हम अपने जर्नी को दोबारा से कंटिन्यू करने वाले हैं एंड यहाँ पे कुछ ट्रेनर्स हैं, मैंने इन सबको नहीं हराया तो बच बचा के निकलने की कोशिश करूँगा। अगर बच गया तो अच्छी बात है, नहीं है फिलहाल के लिए मैं इन सबको हरा देता हूँ इन जस्ट 1 2 3। तो ओके गाइस यार, मैंने इन सबको यहाँ पे हरा दिया, दो ही ट्रेनर को हरा पाया, लेकिन चलो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी हाँ कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है, बट वेट वहाँ पे शायद गैरी खड़ा है, लेट्स गो इससे बात करते हैं। आई डिड नॉट कम हियर टू मेक यू जेलस ऑफ मी। अरे भाई साहब, हाँ मुझे याद आ गया कि ये ऐश को थोड़ा सा जेलस दिखाने की कोशिश कर रहा था कि ये यहाँ पे रेस्ट कर रहा है, तुम अभी भी, मतलब वही साहब भाई, इसका एटीट्यूड हमेशा चलता रहेगा एंड तक ही। एंड फिलहाल के लिए हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना। तुम लोग को याद होगा कि ये एक ऐसा एपिसोड था जिसके अंदर हमें बेसिकली मिशन करना था, बट वो क्या था तुम लोग को पता चल जाएगा। एंड यही है गाइस वो आंटी, कह सकते हैं इनका नाम है नेस्टीना। बेसिकली ये अपना एक होटल कंस्ट्रक्ट कर रही हैं जो कि वर्ल्ड ग्रेटेस्ट रिजॉर्ट बनेगा आगे जाके। एंड बट इनकी एक प्रॉब्लम है कि एक टेंटा कूल है वो इन्हें ये सब काम नहीं करने दे रहा, यानी कि इंटरफेयर कर रहा है उनके कंस्ट्रक्शन में। एंड ये चाहती हैं कि हम उस टेंटा कूल को यहाँ से भगा दें। लेकिन गाइस तुम लोग को याद होगा कि ऐश से जब ये चीज़ कहा गया था तो उसने साफ साफ मना कर दिया, क्योंकि ऐश को ये पैसा मतलब देना चाह रही थी बेसिकली। एंड आई नो ऐश भी ईमानदार था एंड मैं भी ईमानदार हूँ, तो यहाँ पे मैं नो पे क्लिक करने वाला हूँ। एंड फिर ये गुस्सा आती है, आई गेस यू आर अ किड दैट कांट बी बॉट। ओके देखो उसने साफ साफ अपने लफ्ज़ों में कहा कि तुम एक ऐसे लड़के हो जिसे ख़रीदा नहीं जा सकता, जो कि हमारे लिए अच्छी बात है। पता नहीं ऐश ने देखो भाई सही किया था, किसी पोकेमॉन को फालतू का मारना अच्छी बात नहीं है। फिलहाल यहाँ मैं ज्ञान की बातें बताने नहीं बैठा हूँ, लेकिन टीम रॉकेट ने यहाँ पे इसका जो क्या था यार भाई, इसका प्रपोज़ल यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया था कि हाँ ठीक है हम हटा देंगे, बदले में इनको पैसे मिलेंगे, बट नहीं हटा पाए थे। फाइनली जाके ऐश ही हटाता है, बट ये नहीं कि पोकेमॉन को मार देता है, बट उसे प्यार से फुसला फुसला के एकदम हटा देता है। एंड फिलहाल के लिए अब ये कौन है, आई वर्क ऑन नेस्टीना कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, वी आर बिल्डिंग अ न्यू वर्ल्ड क्लास होटल, इफ़ यू लुक ऑफ टू द होरिजन यू कैन जस्ट सी इट। ओके बट गाइस ये हमें दिखा नहीं जा रहा था, लेकिन टेंटाकूल वापस आ चुके हैं। बेसिकली वो नहीं चाहते कि यहाँ पे कोई होटल बने, लेकिन ये लोग गाइस एक साथ कंबाइन हो के एक बड़ा टेंटाकूल आ चुके हैं। दैट टेंटाकूल इज़ अ मॉन्स्टर, प्लीज़ ट्राई टू स्टॉप इट। अब ऐश के सामने भी ये सिचुएशन आई थी, बहुत मुश्किल हुआ था, बट उसने फाइनली डिफीट कर दिया था। देखो भाई ऐश ने इस पोकेमॉन के साथ बैटल नहीं किया था, बट ये हमारे ऊपर बैटल कर रहा है। अगर हमसे बैटल होती है तो ठीक है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं इसे फेंट कर दूं। अगर हो जाता है तो अच्छी बात है, लेकिन जब ऐश ने नहीं किया था तो हम क्यों करेंगे, ठीक है। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि मैं इसे ना करूँ, वरना अगर ये नहीं मानेगा तो भाई करना ही पड़ेगा। फिलहाल के लिए इसने स्लज बॉम्ब अटैक कर लिया। अब खुद तुम लोग खुद देख लो, यहाँ पे यूज़ नेक्स्ट पोकेमॉन दिखा रहा है, इसका मतलब ये खुद नहीं चाहता कि मैं इसे यूज़ करूँ, लेकिन चलो कोई दिक्कत नहीं। अब मैं बटरफ्री को भेज रहा हूँ, बटरफ्री हाओ बटरफ्री ओपी, पिकाचू आ जाओ, थंडर बोल्ट मार दो, एक और थंडर बोल्ट, लेट्स गो गाइस एंड क्विक अटैक, बस ख़त्म ही था ये। बटरफ्री के पास क्विक अटैक है क्या? टैकल भी नहीं है। ओके फाइनली, लेकिन हमारे बटरफ्री ने संभाल लिया, इसका स्लीप पाउडर बड़ा काम का अटैक है। एंड हमने यहाँ से भगा दिया उस टेंटाकूल को। सीम्स टू बी इशूइंग अ वार्निंग, इफ द कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट डज नॉट स्टॉप इट विल रिटर्न टू टेक इट्स रिवेंज, द टेंटाकूल फेडेड इनटू द सी। ओके तो टेंटाकूल ने बोला है कि अगर कंस्ट्रक्शन वर्क स्टॉप नहीं होता है तो वो वापस आएगा इसे रोकने के लिए, बट अभी के लिए तो हमने इसे भगा दिया। एंड मेरे बटरफ्री का लेवल भाई साहब ग्रो कर चुका है भाई, कहाँ गया?
नहीं है, 27 ही है, मेन तो पिकाचू था। नाउ दैट वी नो दैट आर कंस्ट्रक्शन इज डिस्ट्रॉइंग द टेंटाकूल एनवायरनमेंट, वी कांट कंटिन्यू द प्रोजेक्ट। ओके, तो फाइनली इन लोगों को समझ में आ गया कि भी लोग नहीं कर सकते, एंड ये मुझे किसी दूसरे आइलैंड पर ले जाना चाह रहा है। बट वेट, मैं उस नेस्टीना के तरफ शक्ल देखना चाह रहा हूँ कि अभी उसका क्या है, क्योंकि हमने तो बिना पैसे लिए उस टेंटाकूल को यहाँ से भगा दिया बेसिकली। इसे खुशी कुछ नहीं हो रही क्योंकि इसको अपना प्रोजेक्ट यहाँ पर बंद करना पड़ेगा, क्योंकि टेंटाकूल कभी वापस आ सकता है। फिलहाल के लिए हम जा रहे हैं इस दूसरे आइलैंड पर, क्योंकि हमारा यहाँ का काम पूरा ख़त्म हो चुका है। एंड ये कुछ सुनसान, ओके मैं समझ गया, यहाँ पे गाइस बहुत सारे एपिसोड्स होंगे, बट अभी के लिए मैं एक ही कवर करूँगा, वो है गाइस एक घोस्ट वाला एपिसोड। फिलहाल के लिए ये कौन है, अब तुम लोग को पता चल गया होगा घोस्ट है कौन आखिर। फिलहाल के लिए अब यहाँ पे कहानी सुननी पड़ेगी, बट मैं तुम लोग समझ देता हूँ। बी वेयर नॉट एन ओल्ड ब्यूटी लाइक मी बट अ ब्यूटीफुल यंग वुमैन और यू विल मीट अ क्रूल फेट। ओके, बेसिकली इस एपिसोड के अंदर ऐश को एक घोस्ट पोकेमॉन डराता है। घोस्ट क्या, मेरे ख्याल से वो घोस्ट ही था एक्चुअली, वो जो था इंतजार, यही है गाइस, मेडन स्पीक नाम था इसका। वेलकम टू सेलिब्रेट द समर एंड फेस्टिवल, वी विल नॉट डिस्प्ले द श्राइन ऑफ द मेडन्स ग्रेटेस्ट ट्रेजर। ओके गाइस, तो मेडन पीक शायद ये कोई घोस्ट वाला एपिसोड था, ये इंतजार करती रह गई बट कोई आया नहीं। मेडन्स रॉक, द लेजेंड ऑफ मेडन पीक सेज दैट 2000 ईयर्स अगो अ वुमन स्टूड ऑन हिज क्लिफ अवेटिंग द रिटर्न ऑफ हर लवर फ्रॉम वॉर, बट वो आज तक ज़िंदगी में आया नहीं, एंड ये स्टैचू बन के खड़ी हो गई। बेसिकली यही भूत है, एंड एक घोस्ट ने हमारे ऊपर अपीयर कर दिया, बट शायद हम उसके हरा ना पाएँ, क्योंकि हाँ मेरे ख्याल से हमें जाना ही पड़ेगा यार, क्योंकि हम उसे हरा नहीं पाते। ठीक है, नहीं यार नहीं हरा पा रहे, गैस ओके, ये क्या है, चलो ठीक है मेरे ख्याल से, भाई मेरे सारे पोकेमॉन इससे डर रहे हैं, एंड शायद हम उसे अब नहीं हरा सकते। चलो ठीक है, तब हम क्या ही करें, शायद ये ऐसे ही रहेगा ज़िंदगी भर। ओ भाई, हम नहीं हरा सकते गाइस उसको, क्या करूँ मैं, या तो हार ही जाऊँ। ओके, तो गाइस मैं उससे थोड़ा सा दूर जा चुका हूँ यहाँ पे, क्योंकि उससे बैटल करना बेवकूफ़ी था और टाइम वेस्ट होता हमारा, क्योंकि मेरे सारे पोकेमॉन उस घोस्ट से डर रहे थे। एंड यहाँ पे जो लेडी खड़ी थी, मैंने उनसे बात किया था, एंड उन्होंने मुझे एक चीज़ दिया है, मैं तुम लोग को वो चीज़ दिखाना चाहूँगा, जिसका नाम है स्पेल टैग। अब वो पता नहीं कहाँ पे रखा है, मेरे ख्याल से यहीं रखा है, ये रहा गाइस स्पेल टैग। वो स्पेल टैग हमें शायद इस पे लगाना है, एंड फिर आ जाएगा, हाँ, योर पोकेडेक्स रजिस्टरिंग अ पोकेमॉन डेटा, द पोकेमॉन पिक्चर फ्लैश ऑन द स्क्रीन। ओके, तो ये गैसली है भाई। ओके, फाइनली ये मिस्ट्री सॉल्व होती है, एंड गैसली ही वही लड़का था, मतलब वही लड़की थी, एंड वही ओल्ड लेडी थी, मतलब कि उस ओल्ड लेडी ने हमें स्पेल टैग दिया था ताकि हम इसका यहाँ से भगा सकें, बेसिकली घोस्ट को भगा सकें, यानी गैसली ने खुद चाहता है कि वो यहाँ से चला जाए। कितना अच्छा पोकेमॉन है। एंड फाइनली अब यहाँ पे गाइस, हाँ तो अब यहाँ की सारी मिस्ट्री सुलझ चुकी है, क्योंकि हमने यहाँ से सब कुछ भगा दिया, सब कुछ क्या, वो घोस्ट नहीं हमारी मदद करी, क्योंकि बैटल करना बेवकूफ़ी था, हमारे सारे पोकेमॉन डर रहे थे। फिलहाल के लिए आज के इस वाली वीडियो में इतना ही, आई होप तुम लोग को आज के इस वाली वीडियो के अंदर मज़ा आया होगा, इस वीडियो को लाइक कर देना, और अगर चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो भी बहुत ज़्यादा अमेजिंग होने वाली है अपने बटरफ्ली से रिलेटेड। सो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।